अस्सलाम वालेकुम, वेव एफ एम 96.6 की लहरों पे फ़ारूक शेख, आपको खुश आमदीद कहता है प्रोग्राम करंट अफेयर्स में। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज 25 सितंबर है 2021, और 30 सितंबर को टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने का एक आखिरी दिन है। उसके हवाले से अब ये आपको बताऊँगा कि इतना ज़रूरी क्यों समझा गया कि आपके साथ शेयर करता। टैक्स के हवाले से एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक में करंट अफेयर्स में। उसके साथ साथ जो एक मेन इशू है कंज्यूमर कोर्ट का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कंज्यूमर के क्या क्या इश्यूज हैं, कंज्यूमर को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अमूमन, और कंज्यूमर क्या है, सबसे पहले ये चीज़ हम डिफ़ाइन करेंगे कि हर वो शख्स जो भी मार्केट में जाके परचेजिंग करता है, चीज़ों को ख़रीदता है, वो डायरेक्ट मार्केट से परचेज़ करेगा या फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा। अब तो ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, वो कंज्यूमर के दायरा कार में आता है, लेकिन उसके बावजूद जो उसके इख्तियारात हैं उनको कैसे इस्तेमाल करेगा। अगर कोई प्रोडक्ट उसके पास ऐसी आती है जिसमें कोई ख़राबी आती है और वो उसको क्लेम करना चाहता है और उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो उसके लिए क्या रास्ता होगा, वो अपनी सुनवाई कैसे करवा पाएगा, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से, और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट हैं चौधरी उमर शहजाद साहब, और उनके साथ हैं मुबशर इस्लाम, वो भी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और टैक्स के हवाले से हम आज उनसे बात करेंगे। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो वुकला के साथ रिलेट है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे दोनों जो दोस्त हैं मेहमान हैं आज जो प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, इनसे मैं ये भी पूछूं कि वुकला के हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती है हमेशा, उसको ये कैसे डिफ़ाइन करेंगे। सो मैं आगाज़ करता हूं उमर साहब आपसे। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर, कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से सबसे पहली चीज़ आती है कंज्यूमर के इख्तियारात क्या है। जी बिल्कुल कोई भी शख्स है, मैं हूँ, आप हैं, या कोई तीसरा बंदा है, हमारे सुनने वाले बहुत सारे हैं, कंज्यूमर हैं, हम मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है या फिर कोई फैब्रिक रिलेटेड है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें कंज्यूमर के क्या इख्तियारात होंगे, हम किसे कंसिडर करेंगे कि ये कंज्यूमर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फरूख भाई, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, आपने हमें इतने अच्छे मौके में मौका दिया बहुत बात करने का। इसमें जो कंज्यूमर के हवाले से आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है, हमारे अक्सर जो सुनने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी देखते हैं, उनके काफ़ी परेशानियां होती हैं, वो कभी बाज़ार में जाते हैं कोई चीज़ ख़रीद करते हैं, उन्हें कोई फॉल्टी चीज़ मिल जाती है, समटाइम्स कोई आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप परचेज़ करते हैं, स्पीकर वगैरह, कोई घड़ियाँ वगैरह, मोबाइल, इस तरह की चीज़ें जब आप परचेज़ करते हैं ना किसी भी चीज़ से, सबसे पहले तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उसकी कोई रसीद लें दुकानदार से। सही। जब दुकानदार आपको वो रसीद दे देता है ना, तो आपके पास एक वैलिड पॉइंट आ जाता है कि आप उस चीज़ के बारे में कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, आप उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अब हमारे जो आम तौर पर दुकानों में होती ही है ये चीज़ें, आप बाज़ार चले जाएं, घंटाघर चौक में चले जाएं, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, वो नॉर्मली आपको अपनी शॉप की रसीद नहीं देते। सही। लेकिन ये हमारा राइट है कि हम उनसे कहें कि जनाब हमें जो है इसकी रसीद दें, अपनी दुकान की स्टैम्प की जो पेमेंट हमने की है उसकी कैश की अदायगी की रसीद हमें देगा वो, फिर उसकी वो जो है वो रसीद वैलिड हो जाएगी। अदरवाइज मैंने देखा है समटाइम्स अक्सर ऐसे ही होता है कि दुकानदार के पास जाते हैं ना, हम कहते हैं यार ये फलां चीज़ देना यार, वो एक बिल निकालता है, बिल बुक निकालता है, आपकी डिटेल लिखता है, आपने फलां चीज़ परचेज़ की है, फलां चीज़ परचेज़ की है, फलां चीज़ परचेज़ की है, अपनी जहाँ पे उसकी रसीद की होती है ना, जिसे दुकान का नाम लिखा होता है, उसके ऊपर पेंसिल रख के ना कागज़ फाड़ के आपको थमा देता है। बिल्कुल ऐसे। उस पे ना कोई स्टैंप लगती है, सिर्फ अमाउंट लिखी होती है, ये कोई वैलिड चीज़ नहीं सर, है। सर एक और चीज़ है, हमारे यहाँ पे सिस्टम है, लोकल सिस्टम है परचेजिंग का। जी बिल्कुल। कि आप जैसे मार्केट की एग्जांपल देते हैं, आप घंटाघर और इसके गिर्द के बाज़ारों की मिसाल देते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो अपने प्रिंटेड बिल बुक्स नहीं रखते हैं। जी जी। वो उनके पास एक रफ पैड्स होते हैं, उसके ऊपर एक कच्चा बिल जिसको कहते हैं, जी वो जी। बना के मार्क करके वो दे देते हैं, उसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं है, उसका ऑफिस का या शॉप का नेम भी नहीं है। तो कल को क्या इस चीज के ऊपर कोई क्लेम कर सकता है कि मुझे इस दुकानदार ने ये चीज बेची है? ये नहीं, इस चीज में आपको थ्रू एविडेंस साबित करना पड़ेगा, किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट है ना उसको साबित करना पड़ेगा थ्रू एविडेंस पे। सही। लेकिन यहाँ पे ये तो है नहीं कि आप किसी दो तीन बंदों को साथ लेके जाएं कोई चीज परचेज करें, आप जाते हैं अकेले, जाते हैं अपनी खरीदार फरोख करके वापस आ जाते हैं, आजकल इतने किसी के पास टाइम तो है नहीं कि कोई भी आदमी कहे कि मुझे इस टाइम से इतना वक्त चाहिए या मैं ये चीज अब आगे
किसी को बताऊंगा, मैं किसी को साथ लेके जाऊंगा, यार मैं फलां चीज़, मैं कोई कपड़े लेने जा रहा हूँ, कोई चीज़ परचेज करने जा रहा हूँ। सही है। तो इसमें सिंपली ये चीज़ है कि गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी, बिल्कुल, उसमें भी कंप्लेन की जा सकती है कि ये फलां दुकान ने मुझे ये रसीद दी है लेकिन उसने मुझे अपना कोई सबूत नहीं दिया। सही। उनको भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। और दुकानदार से तो लाजमी ये मेरी तमाम व्यूवर से सुनने वालों से दरख्वास्त है कि वो जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे सबसे पहले दें कि उनका जो प्रिंटेड बिल है, ये हर दुकानदार की जिम्मेदारी है कि आपको प्रिंटेड बिल प्रोवाइड करें। इवन आपने कोई 200 की या 100 की 50 की चीज़ भी ली है ना, उस पर भी वो प्रिंटेड चीज़ हो आपको मिलेगी, तब भी आप एक वैलिड कस्टमर एक उसको कहलाएंगे कानून के हवाले से। अगर उसमें फिर आप देखते हैं वो चीज़ आपको उसमें एक्सप्लेन करेगा उस चीज़ के हवाले से कि अगर आपने कोई सूट वगैरह परचेज़ किया है, वो आपको बताया गया इसके कलर थोड़े से है ना, अगर मुनासिब क्वालिटी का है, उसमें वो आपको ये बताएगा कि इसमें जो इसके कलर्स हैं ये थोड़े से लाइट हैं, ये डिम हैं, इसको ध्यान से धोना है आपने, ध्यान से वॉश करना है, ये दुकानदार की जिम्मेदारी है। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों चीज़ें बताए। बिल्कुल सही। हमारी ये चीज़ देखी जाती है कि मेरिट्स बहुत खुल के बयान किए जाते हैं, जो डीमेरिट्स होते हैं उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता। बिल्कुल सही। हाँ जी, मुबशर साहब, टैक्स के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डेट है टैक्स की सबमिशन की। सबसे पहली चीज़ कि हमारे यहाँ पे टैक्स का निज़ाम जो है वो बड़ा अजीब है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स सिस्टम में आना नहीं चाह रहे होते। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर करें कि हम लोग टैक्स को अवॉइड क्यों कर रहे हैं, हम टैक्स सिस्टम से क्यों इतना खौफज़दा है। जी फारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया आज हमें, और ये बड़ा अहम टॉपिक है आज का ये 30 सितंबर चूँकि लास्ट डेट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की। अच्छा, जैसे उमर साहब ने बात की कि कोई भी कस्टमर है वो बिल लेने जाता है, कोई परचेजिंग करता है, अब स्पेशली हमारे ये आठों बाज़ारों, अगर फैसलाबाद से के हवाले से बात की जाए, आठों बाज़ारों में कोई भी ये बिल, जैसे उमर साहब ने बताया कि कच्चे बिल दे देते हैं, वो फाड़ देते हैं, अपना नाम नंबर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करते, या एक अवामी बिल बुक पे बिल बना देते हैं, तो इससे कोई भी कस्टमर को सिक्योर नहीं फील होता कि ये मैंने बिल, मैंने अगर कोई चीज़ परचेज़ की है, डिपार्टमेंट जो शॉपकीपर है वो इस पर तो टैक्स चोरी कर रहा है क्योंकि उसका कोई बैक एंड पे रिकॉर्ड नहीं है, वो कच्चा बिल एक दे देगा और ना वो महकमा उसको कोई ट्रेस क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। सही। तो ये सीधी सीधी टैक्स चोरी है जिसके बिहाफ पे एक POS निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया था कुछ साल पहले, और अभी लास्ट 2 मंथ्स में उस पर बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दुकान सील की जा रही हैं और उनको पेनल्टी लगाई जा रही है। ये 1-10 लाख तक पेनल्टी है इसकी, 1 मिलियन तक। सही। तो लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना, दुकानदार जो रजिस्टर्ड, जिनको महकमे ने कर दिया है, FBR ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़बरदस्ती कर दिया हुआ है रजिस्टर्ड, वो तो हो गए, लेकिन जो अभी भी बचे हुए हैं वो इसी प्रैक्टिस पे चल रहे हैं, कच्चे बिल दे रहे हैं। तो ये निज़ाम बेहतर होना चाहिए और सबको टैक्स के निज़ाम में आना चाहिए, क्योंकि जब तक टैक्स का निज़ाम ठीक नहीं होगा हमारा मुल्क आगे तरक्की की राह पे जो है ना काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। जो लोगों के अंदर एक खौफ पाया जाता है इसके बारे में, टैक्स का एक स्लैब रेट होता है जी, बिल्कुल, जिसके अकॉर्डिंग टैक्स जो है वो लगाया जाता है किसी भी कंज्यूमर के ऊपर। हम लोग उसको सोचे समझे बिना हम टैक्स फाइलर नहीं बनते। बिल्कुल इस तरह हम खौफ ज़्यादा होते हैं कि हमारी जितनी भी सालाना इनकम है हम अपना फाइलर नहीं बनेंगे, हमें टैक्स अदा करना पड़ेगा या हमारे ऊपर हैवी टैक्स की इम्पोजिशन होगी। ये जो खौफ है उसमें से कैसे हम लोगों को क्लियर कर सकते हैं, या फिर हमारी जो लोगों को कैसे समझा सकते हैं कि आप किस हद तक स्लैब रेट में फॉल करते हैं, उसके बाद आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है जी। फर्क भाई, सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इसकी ज़रूरत पेश क्यों आ रही है, ये कंसेप्ट फाइलर और नॉन फाइलर का कंसेप्ट दिया क्यों गया। सही। क्योंकि एक फाइलर बंदा और नॉन फाइलर बंदा जब आपस में कोई डिबेट कर रहा होता है तो नॉन फाइलर पर्सन जो है वो फाइलर पर्सन का मजाक उड़ाता है, उसको टीज करता है कि भाई मैं तो आज़ाद फिर रहा हूँ, मैं टैक्स नहीं दे रहा। सही। लेकिन इसके अगेंस्ट जो है ना फाइलर पर्सन है वो अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवाता है, टैक्स भी पे करता है, और उसी के बावजूद जो है ना डिपार्टमेंट नॉन फाइलर को पकड़ने की बजाय दोबारा इन्हीं का रुख करती है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जब वो इन्हीं की तरफ दोबारा आती है तो वो अनॉयड फील करते हैं कि भाई हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं और नोटिस भी भुगत रहे हैं और पेनल्टीज भी पे कर रहे हैं, जबकि नॉन फाइलर है वो इस सेंस में टीज करता है
कि भी मैं ना तो मैं टैक्स दे रहा हूँ ना मेरा ऑन रिकॉर्ड है, और वो बात वही आ गई कि वो कच्चे बिल ओपन चल रहा है उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं तरीन साहब हैं, उन्होंने इस पर बड़ा सख्ती से एक मैसेज भी छोड़ा है, और अभी एक थर्ड अमेंडमेंट जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो मुतारफ कराई गई है। उसमें आपने सुना होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन मुनकता कर दिए जाएंगे, आपकी सिम्स बंद कर दी जाएंगी नॉन फाइलर्स की, तो वो मुतारफ तो करवाया गया लेकिन अभी तक भी नॉन फाइलर जो है ना वो इसको इजी ही ले रहा है। सही है, बिल्कुल सही है जी। तो वो उसको इजी लेता रहेगा क्योंकि वो उस सिस्टम में फॉल नहीं करना चाह रहा। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि शायद हमारे यहाँ पे मार्केट में बहुत सारा ऐसा तबका है, कारोबारी तबका है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और उनके पास अवेयरनेस नहीं है। सर, अवेयरनेस के लिए हमारी खिदमात हासिल की जा सकती हैं, वुकला का मकसद ही होता है, और लोग FBR के ऑफिस में भी एक फैसिलिटी दी गई है, वो अपनी रिटर्न्स जो है सैलरी क्लास के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो फाइल करवा सकते हैं, वहाँ पे उनका स्टाफ बैठा हुआ है वो फाइल कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इतनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स बैठे हुए, इसके बावजूद भी अगर टैक्स पेयर या जो दुकानदार हैं कारोबारी हजरात हैं वो इस तरफ ना आना चाहें तो ये उनकी ज्यादती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं टैक्स के हवाले से और कंज्यूमर कोड के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर इस्लाम और उमर शहजाद साहब, और आज हम जब इस हवाले से बात करेंगे तो यकीनन आप लोग मेरे साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करेंगे, और आपके पार्टिसिपेशन का तरीका जो होता है वो थ्रू मैसेजेस और कॉल्स के साथ होता है। रابطہ करने के लिए आप हमेशा की तरह डायल करेंगे 03419669666, और इसके अलावा आप हमें लाइव देख भी सकते हैं YouTube के ऊपर वेव FM 96.6 के पेज के ऊपर करंट अफेयर शो, और Facebook के ऊपर करंट अफेयर शो में। तो आप हमें कॉल्स करें, मैसेज करें, ताकि आपके मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल किया जाए और प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खामोशी से तहरीक तक, उम्मीद से संगीत तक, आपके साथ FM 96.6। Your silence has a sound. FM 96.6. अच्छी सेहत के लिए अच्छी खुराक का होना निहायत जरूरी है, और अच्छी खुराक के लिए आपको चाहिए एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट। माहिरे गिजायत शीजा अहमद, न्यूट्रिशन और वेलनेस सेंटर, आपकी सेहत के मुतालिक अब सब मसाइल का हल। न्यूट्रिशन और वेलनेस सेंटर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, तमाम अमराज कल्ब, अमराज जिगर, हर तरह की पथरी, बढ़ता हुआ यूरिक एसिड और बढ़ता हुआ वजन, खुसूसी गिजाई चार्ट बनवाएं और अच्छी सेहत पाएं। क्लिनिक के औकात सुबह 11 से शाम 4 बजे तक। एड्रेस, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस सेंटर, MTH क्लिनिक, यूनिवर्सिटी एवेन्यू, फैसल टाउन, किनाल रोड, फैसलाबाद। कॉन्टैक्ट 04187509 75, एक्सटेंशन 468। वी ऑल लव टू लिसन वेव FM 96.6।
Admissions open in the University of Faisalabad. Faculty of Law is offering Bachelor of Law, LLB, 5 years program. Highly qualified and experienced faculty, including ex-judges and senior lawyers. Law Moot Courtroom allows our students to practice presenting cases in a real-life setting. Fully established QEC to ensure quality of education. Well-stocked law library and high-tech computer labs. Vibrant academic environment. National and international collaborations and linkages for student exposure. Apply online on admission.tuf.edu.pk. UAN 041-111-883. Mobile number 0330-1980-690 up to 91. Visit website www.tuf.edu.pk. The University of Faisalabad. Motivation, inspiration, innovation. दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो याद रखिए कि सबसे खूबसूरत जगह है किसी की सोच में रहना, किसी की दुआओं में रहना और किसी के दिल में रहना। वेवएफएम 96.6 हमेशा आपके दिल, दुआओं और सोच में। डे इज ओवर, नाइट हैज कम. Night has come. Today is gone. What's done is done. Embrace your dream through the night. Tomorrow comes with a whole new light. Only on Wave FM 96.6. Change is beautiful. Listen, Wave FM 96.6. Day is over, night has come. Night has come. Today is gone. What's done is done. Embrace your dream through the night. Tomorrow comes with a whole new light. Only on Wave FM 96.6. दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो याद रखिए कि सबसे खूबसूरत जगह है किसी की सोच में रहना, किसी की दुआओं में रहना और किसी के दिल में रहना। वेव एफएम 96.6 हमेशा आपके दिल, दुआओं और सोच में। खामोशी से तहरीक तक, उम्मीद से संगीत तक, आपके साथ FM 96.6। दिल की धड़क, जिंदगी की रमक, हर लहर एक सांस। वेव FM 96.6। दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो याद रखिए कि सबसे खूबसूरत जगह है किसी की सोच में रहना, किसी की दुआओं में रहना और किसी के दिल में रहना। वेव एफएम 96.6 हमेशा आपके दिल, दुआओं और सोच में। Your silence has a sound. FM 96.6. आप सुन रहे हैं वेव FM 96.6। दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो याद रखिए कि सबसे खूबसूरत जगह है किसी की सोच में रहना, किसी की दुआओं में रहना और किसी के दिल में रहना। वेव FM 96.6 हमेशा आपके दिल, दुआओं और सोच में। Your silence has a sound. FM 96.6. दिल की धड़क, जिंदगी की रमक, हर लहर एक सांस। वेव FM 96.6।
अगर आप पैदाइशी माजूरी और फिटनेस जैसे मसाइल से दो चार हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुल्क के माहिर तजुर्बाकार फिजियोथेरापिस्ट अब आपके शहर फैसलाबाद में रीएक्टिव रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहां आपका इलाज जदीद मशीनरी के जरिए मुमकिन बनाया जाता है। यहां फालज, लकवा, जोड़ों, पट्ठों, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, मोहरों की खराबी, कंधों का फ्रीज हो जाना, शयाटिका जैसी बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। ख्वातीन के लिए प्रोफेशनल लेडी डॉक्टर की सहूलत मौजूद है। क्लिनिक टाइमिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। रीएक्टिव रिहैबिलिटेशन सेंटर, MTH क्लिनिक, यूनिवर्सिटी एवेन्यू रोड, कैनाल रोड, फैसल टाउन, फैसलाबाद। मशवरे और इलाज के लिए अभी राबता करें। फोन नंबर 0141-8750-971 और 8750-974, एक्सटेंशन 468। We all love to listen. Wave FM 96.6. खामोशी से तहरीक तक, उम्मीद से संगीत तक, आपके साथ FM 96.6। Change is beautiful. Listen Wave FM 96.6. We all love to listen. Wave FM 96.6. दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो याद रखिए कि सबसे खूबसूरत जगह है किसी की सोच में रहना, किसी की दुआओं में रहना और किसी के दिल में रहना। वेव एफएम 96.6 हमेशा आपके दिल, दुआओं और सोच में। डे इज ओवर, नाइट हैज कम, नाइट हैज कम, टुडे इज गॉन, व्हाट्स डन इज डन, इज डन, इज डन। एम्ब्रेस योर ड्रीम थ्रू द नाइट, टुमारो कम्स विद अ होल न्यू लाइट, न्यू लाइट, ओनली ऑन वेव एफएम 96.6। खामोशी से तहरीक तक, उम्मीद से संगीत तक, आपके साथ FM 96.6। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मुझे कहते हैं फरूख शेख और करंट अफेयर्स शो आप सुन रहे हैं वेव एफ एम 96.6 पर। प्रोग्राम में शामिल करता हूं आप लोगों की कॉल्स को। मेरे साथ सफ़र इकबाल मौजूद हैं जड़ावाला से, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं सफ़र, बहुत शुक्रिया। अमजद अली हैं, कहते हैं जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अमजद आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर इमरान खुड़ियावाला से, इन्होंने क्वेश्चन किया, कहते हैं जी कंज्यूमर कोर्ट्स फिज़िकली एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो कैसे पता लगेगी। आपके क्वेश्चन को लाजमी शामिल करूँगा। इनके साथ एक और हमारे दोस्त हैं याकूब, ये कहते हैं याकूब साहब के टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाले जो हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है, कि काम आदमी जो है वो एक फाइलर है, अच्छा टैक्स पे करता है, उसके बदले में वो रिक्वायर करता है कि मुझे फैसिलिटीज़ पूरी मिलनी चाहिए, बिजली, गैस, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ मुझे बेनिफिट में मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिलती। किसी एक बंदे के टैक्स ना अदा करने पर उसको सहूलियात या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और हम जब अदा करते हैं और नहीं मिलती हैं तो ये एक जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्टिफाई नहीं है। इसको मज़ीद ये भी कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ पर लोकल सिस्टम है, ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कॉन्टीनेंट की बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे यहाँ पे सिस्टम बड़ा अजीब है टैक्स का, कि यहाँ पर टैक्स जब पे किया जाता है तो टैक्स चोरी एक कॉमन इशू है। दूसरी बात ये कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, टैक्स अदा करने से पहले हम बिल्कुल कॉन्टैक्ट करते हैं वकला के साथ, हम उनको पैसे भी देते हैं लेकिन वो टैक्स की सूरत में नहीं देते, बल्कि अपने आप को टैक्स सिस्टम से बाहर लाने के लिए उनको पे करते हैं। ये भी एक थोड़ा सा हमारे लिए सोचने के काबिल है ये भी बात। तो मैं जिन लोगों ने भी ट्यून किया उनको दोबारा बताता चलूं कि आज हम इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से और कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से बात करेंगे। अभी जिन दोस्तों ने भी क्वेश्चन किए उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। तो मैं आता हूँ जी उमर भाई आपकी तरफ, कि जो ताहिर इमरान साहब पूछ रहे हैं कि कंज्यूमर कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से, लेकिन फिजिकली लोगों को अभी पता नहीं है कि कंज्यूमर कोर्ट्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। फैसलाबाद में भी गालिबन है कोर्ट, लेकिन बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है और उसकी वर्किंग का या प्रोसीजर का भी नहीं पता है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। अच्छा फरूख भाई, इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि
आप अपने इलाके में फिरा करें, अपने शहर में फिरा करें, नई नई चीज़ें इन्वेंट किया करें, देखा करें यहाँ पे क्या चीज़ है क्या चीज़ है। बेसिकली जो कंज्यूमर कोर्ट हैं ये जना कॉलोनी में है, इस वक्त मौजूद है, जो वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं वो जो बीसी टावर है जीसी यूनिवर्सिटी की साइड पर, उसके बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर पे कंज्यूमर कोर्ट है इस वक्त। सही है, बिल्कुल सही। वहाँ पे अगर आप कोई भी क्लेम फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको, जैसे मैंने के पहले बयान किया कि आपके पास एक रसीद होनी चाहिए किसी भी खरीदी हुई चीज़ की। सही। उसके लिए आप किसी वकील से मशवरा करें, किसी दोस्त भाई से मशवरा करें। सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेजें उस बंदे को जिससे आपने कोई भी चीज़ परचेज की हुई है, उसे लीगल नोटिस भेजेंगे। उसके बाद आप विद इन 14 डेज आप एक उसका एप्लीकेशन तैयार करेंगे। आप वो ख़ुद भी कर सकते हैं, आप थ्रू इंटरनेट आपसे हेल्प ले सकते हैं आप किसी भी चीज़ की, कि उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। थ्रू एक प्रॉपर चैनल आप उस एप्लीकेशन को कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करें। कंज्यूमर कोर्ट दूसरे बंदे को तलब करेगी, उसके लिए वो अपना जवाब सबमिट करेगा। उसके लिए प्री ट्रायल कंसिलिएशन का भी एक वर्ड होता है कि एविडेंस से पहले उनकी एक मसालेत की कोशिश करवाई जाती है। अगर वो नाकाम हो जाए फिर उसमें एविडेंस लाएंगे वो बंदा, वो अपनी एविडेंस लाएगा, बंदा जो दुकानदार है वो अपनी एविडेंस लेके आएगा, उस पर क्रॉस एग्जामिन होगा, फिर उसमें दोबारा एक आफ्टर ट्रायल कंसिलिएशन का भी वर्ड आता है कि उसमें एविडेंस के बाद उसमें कोशिश की जा सकती है कि इनका कोई राजीनामा हो जाए, कोई पैचअप हो जाए। अगर वो नहीं होता तो फाइनल आर्ग्यूमेंट पे दोनों फ्री कैन अपने आप को साबित करेंगे कि जना मैं सच्चा हूँ या मैं सच्चा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये होती है कि बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी से भागते हैं, वो इस प्रोसेस में नहीं आना चाहते। जी जी। कंज्यूमर कोर्ट है, अगर किसी शख्स को कहीं से कोई कंप्लेंट आ गई है कंज्यूमर को, वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है खराब मिल जाती है उसको, उसका क्लेम वो प्रसू करता है उसको नहीं मिलता, वो ये सोचता है कि अच्छा वक्ती तौर पर मेरा 2-3-4 हज़ार का मेरा लॉस हो चुका है तो मैं इसको रिकवर करने की वजह छोड़ देता हूँ, मैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ूंगा। कोर्ट में जब बात जाती है तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ऐसा ही है, लंबा प्रोसेस होता है कंज्यूमर कोर्ट का, यहाँ पे शॉर्टली ये इसको कवर हो जाता है। इसमें मैं जो बेसिक मुझे रीजन नज़र आती हैं जो इसमें हैं कि आप जिस बंदे से सर्विसेज ले रहे हैं, जिस एडवोकेट से सर्विसेज ले रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये कंफर्म करें कि उसे आपके केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके लॉ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि मैंने बताया कि दुकानदार से भी आप जब सारी चीज़ें उससे पूछते हैं ना, बेनिफिट्स मेरिट्स डीमेरिट्स पूछते हैं, आप अपने एडवोकेट से भी खुल के बात करें, उन्हें पूछें कि जनाब हमारा केस कैसे चलेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आपको बताएंगे कि अगर आप इस चीज़ को जल्द से जल्द प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है या उसके लिए किसी भी फोरम पर आप क्लेम कर सकते हैं कि जना हमारा जो है ये केस जल्द से जल्द इसको वाइंड अप किया जाए। सर, कंपैरेटिवली जो दूसरे केसेस होते हैं सिविल केसेस होते हैं जी, बड़े, जी। बड़े कई साल चलते हैं ये, इसमें कोई ऐसी मिसाल तो नहीं मिलती है हमें कंज्यूमर कोर्ट में? कंज्यूमर कोर्ट में भी ऐसी मिसालें हैं कि एक केस को जल्द से जल्द वाइंड अप किया जाए, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि उसमें जो है प्रॉपर एक फॉरम के जरिए आप जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसमें कोर्ट ने दूसरी फ्री कैन को तलब करना होता है, उसने आके अपना जवाब देना है, उसने अपने जवाब में सारी बातें लिखनी है उस दुकानदार ने भी। जिस तरह आपने अपने प्लेंट में कोई चीज़ दर्ज की है ना, आपने उसमें एक प्रॉपर तरीके से सबसे ऊपर कोर्ट का नाम आएगा, उसके बाद आप मुद्दई बनेंगे या दरख्वास्त गुजार बनेंगे, फिर उसके बाद डिफेंडेंट का नाम आएगा, फिर नीचे आपका एक कैप्शन आएगी, कैप्शन के बाद आपके हालात वाकयात आएंगे, आपको केस को फाइल करने के लिए सारे उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जैसे आप आम सिविल कोई भी जी केस जी अपना फाइल करते हैं। जी नहीं, इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ होते हैं फाइलिंग के साथ होते हैं, जो सिविल केसेस में अलहदा होते हैं, फौजदारी में अलहदा होते हैं, फैमिली में अलहदा होते हैं, कंज्यूमर में अलहदा होते हैं, जी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। मुबशर भाई, याकूब साहब ने एक क्वेश्चन किया है, कहते हैं जी टैक्स चोरी कम टैक्स देना जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है, इसी वजह से टैक्स जो अदा किया जाता है वो पैसा लगता नहीं है प्रोडक्टिव वे में। फरुख भाई, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि 29,26,507 टैक्स पेयर्स हैं। 29,26,507 टैक्स पेयर्स हैं इस टाइम पूरे पाकिस्तान में। अब 22 करोड़ की आवाम हो और 29 लाख टैक्स पेयर हो, ये को 1.25% के करीब बनता है, जो कि ज्यादती है। सही। हम लोग एग्जांपल्स देते हैं, बातें करते हैं, जाना पसंद करते हैं दूसरे मुल्कों में, वो क्यों करते हैं कि वहाँ पे सफाई सुथराई है, मतलब वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो सारे टैक्स देते हैं,
सही है। अब यहाँ पे 25% जो है लोग टैक्स दे रहे हैं, बाकी जो है 100 में से 98% जो है वो नहीं दे रहे। सही। अब इनका लोड भी पूरा इन 25% लोगों ने उठाया हुआ है, ठीक है। अब यही लोग टैक्स देते हैं और यही बाद में नोटिसेस भी भुगतते हैं और यही पेनल्टीज देते हैं। सही, ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पे सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि उमर भाई ने जैसे बात की कि इदारों का किसी को नहीं पता होता, अब फैसलाबाद में है अलाइड हॉस्पिटल के सामने FBR का ऑफिस है, लोगों को किसी को नहीं पता कि भाई ये कोई सरकारी महकमा होगा क्या, लेकिन उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें टैक्स देना चाहिए। बाकी कंट्रीज में तालीम इलाज ये सारा कुछ फ्री है, फ्री वो है, क्यों है वहाँ लोग टैक्स देते हैं, उसके अगेंस्ट उनको रिलीफ मिलता है, फ्री तालीम मिलती है, फ्री इलाज मिलता है। जब तक हमारा मुल्क पाकिस्तान है ये अपना टारगेट अचीव नहीं करता रेवेन्यू का, ये प्रॉफिट में नहीं जा सकता, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टैक्सेस जो हैं ये तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि अखराजात इतने हैं, कुछ मामलात हैं पार्लियामेंट्स के ऊपर वाले तबकात के, तो वो हम तक उसकी जो है ना रिलीफ्स पहुंच ही नहीं पाते। बिल्कुल सही है। अच्छा, व्हाई अ पर्सन नीड टू बी अ फाइलर, क्यों बनेगा कोई शख्स फाइलर? मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हम लोगों में एक खास तबका है जिसमें खौफ पाया जाता है जी टैक्स रिटर्न को जमा करवाने का, कि मैं फाइलर क्यों बनूंगा? जैसे आप बता रहे हैं अभी कि नॉन फाइलर कोई भी शख्स है तो वो दूसरे बंदे का मजाक उड़ाता है या हंसता है इस चीज़ पे, देखो मैं आज़ाद पे रहा हूँ तुम टैक्स पे कर रहे हो, तो वो शख्स फाइलर क्यों बनेगा? क्या हमें उनको बताना पड़ेगा कि भाई इस हद तक आप फ्री हैं, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद आप टैक्स अदा करने के मजाज होंगे? जी फारूक भाई, मैं इस पर आपको क्लियर कर दूँ कि करंट सिचुएशन में कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, कोई भी कारोबारी हजरात वो शौक से तो टैक्स देना ही नहीं चाह रहा। जैसे मैंने अर्ज किया कि वो तो कहता है कि भी मैं क्यों बनूं, मुझे तो उल्टी तंगी आती है, क्योंकि जो नहीं दे रहे वो तो बचे हुए हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इस तरह है कि ये ज़रूरत इसलिए उनको पेश आती है कि उन्होंने अगर कोई काम शुरू करना है या बैंक्स पे है या गाड़ी का अगर कोई टोकन टैक्स लगवाना है, उनको जहाँ जहाँ पे भी टैक्स जो है ना विद होल्डिंग टैक्स इम्प्लीमेंट होगा वो नॉन फाइलर्स के लिए 100% एक्स्ट्रा चार्ज होता है उनको, वो सिर्फ इस 100% को बचाने के लिए। लाइक वो अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो उन पे विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई होता है, एडवांस टैक्स है, सेल करने जाते हैं उन पे 1% 2% अप्लाई होता है, तो सिर्फ इन चीज़ों से 100% से बचने के लिए मजबूरी की सूरत में वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। वो उनका मौका निकल जाता है, वो अपना टैक्स बचा लेते हैं और आने वाले सालों में फिर जो है ना वो ईजी हो जाते हैं कि हमारा काम तो ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पर वो ईजी होकर बैठ जाते हैं और दोबारा इसकी तरफ फाइलिंग की तरफ आते ही नहीं है, रुक ही नहीं करते। बिल्कुल सही है। अभी जैसे वकला की हम बात करते हैं कि लोगों की सहूलत के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे वकील मौजूद हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स भी मौजूद हैं, लेकिन लोग पॉजिटिव यूज़ नहीं करते, शॉर्टकट क्यों यूज़ करते हैं? टैक्स तो आपने अदा करना है, टैक्स अदा करने के लिए हम वकील से रब्ता नहीं करेंगे, टैक्स से बचने के लिए उसे लाजमी रब्ता। जी मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ और 100% एग्रीड हूँ। अब देखें, कारोबार तो हर बंदा कर रहा है जी, करंट सिचुएशन में वो अगर जितने भी पैसे कमा रहा है साल में, उसको गवर्नमेंट की तरफ से 4 लाख तक छूट दी गई है, अगर वो सालाना 4 लाख आमदन है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अब वो अगर आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि अखराजात इतने हो गए हैं, वो ज़्यादा ही कमाई तो ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन जो टैक्स पेयर आता है हमारे पास उसको थोड़ा सा कम डिक्लेयर करते हैं टैक्स बचाने के लिए, जो कि गलत प्रैक्टिस है। तो इसमें टैक्स देना चाहिए और मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो मेरे सुनने वाले हैं यहाँ पे इस जो शो को लाइक भी करते हैं उनके इस या उनको मैसेज भी दूंगा कि टैक्स पे करें। जितना लोग टैक्स पे करेंगे उतना ही लोड डिवाइड होगा और उतना ही मुल्क जो है ना वो तरक्की करेगा, फैसिलिटेशन ज्यादा उतनी ज्यादा होगी। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डबल काउंटिंग जो होती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रब्ता करें 0334196966 यानी 0334-1966 पर अपने मैसेजेस हमें रिकॉर्ड करवाएं, प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमारे मेहमान हैं उनसे उनका हल भी लेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
Admissions open in the University of Faisalabad. Faculty of Law is offering Bachelor of Law, LLB, 5 years program. Highly qualified and experienced faculty, including ex-judges and senior lawyers. Law Moot Courtroom allows our students to practice presenting cases in a real-life setting. Fully established QEC to ensure quality of education. Well-stocked law library and high-tech computer labs. Vibrant academic environment. National and international collaborations and linkages for student exposure. Apply online on admission.tuf.edu.pk. UAN 041-111-883. Mobile number 0330-1980-690-91. Visit website www.tuf.edu.pk. The University of Faisalabad. Motivation, inspiration, innovation. दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो याद रखिए कि सबसे खूबसूरत जगह है किसी की सोच में रहना, किसी की दुआओं में रहना और किसी के दिल में रहना। वेव एफएम 96.6 हमेशा आपके दिल, दुआओं और सोच में। डे इज ओवर, नाइट हैज कम. Night has come. Night has come. Today is gone. What's done is done. Is done. Is done. Embrace your dream through the night. Tomorrow comes with a whole new light. New light. Only on Wave FM 96.6. Change is beautiful. Listen, Wave FM 96.6. Day is over, night has come. Night has come. Night has come. Today is gone. What's done is done. Is done. Is done. Embrace your dream through the night. Tomorrow comes with a whole new light. New light. Only on Wave FM 96.6. Duniya mein apni jagah banani hai to yaad rakhiye कि सबसे खूबसूरत जगह है किसी की सोच में रहना, किसी की दुआओं में रहना और किसी के दिल में रहना। वेव एफएम 96.6 हमेशा आपके दिल, दुआओं और सोच में। खामोशी से तहरीक तक, उम्मीद से संगीत तक, आपके साथ FM 96.6। दिल की धड़क, जिंदगी की रमक, हर लहर एक सांस। वेव FM 96.6। दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो याद रखिए कि सबसे खूबसूरत जगह है किसी की सोच में रहना, किसी की दुआओं में रहना और किसी के दिल में रहना। वेव एफएम 96.6 हमेशा आपके दिल, दुआओं और सोच में। Your silence has a sound. FM 96.6. आप सुन रहे हैं वेव FM 96.6। दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो याद रखिए कि सबसे खूबसूरत जगह है किसी की सोच में रहना, किसी की दुआओं में रहना और किसी के दिल में रहना। वेव FM 96.6 हमेशा आपके दिल, दुआओं और सोच में। Your silence has a sound. FM 96.6. दिल की धड़क, जिंदगी की रमक, हर लहर एक सांस। वेव FM 96.6।
अगर आप पैदाइशी माजूरी और फिटनेस जैसे मसाइल से दो चार हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुल्क के माहिर तजुर्बाकार फिजियोथेरापिस्ट अब आपके शहर फैसलाबाद में री एक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां आपका इलाज जदीद मशीनरी के जरिए मुमकिन बनाया जाता है। यहां फालज, लकवा, जोड़ों, पट्ठों, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, मोहरों की खराबी, कंधों का फ्रीज हो जाना, शायाटिका जैसी बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। ख्वातीन के लिए प्रोफेशनल लेडी डॉक्टर की सहूलत मौजूद है। क्लिनिक टाइमिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। रीएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर, MTH क्लिनिक, यूनिवर्सिटी एवेन्यू रोड, कैनाल रोड, फैसल टाउन, फैसलाबाद। मशवरे और इलाज के लिए अभी राबता करें। फोन नंबर 0141-8750-971 और 8750-974, एक्सटेंशन 468। We all love to listen. Wave FM 96.6. खामोशी से तहरीक तक, उम्मीद से संगीत तक, आपके साथ FM 96.6। Change is beautiful. Listen Wave FM 96.6. We all love to listen. Wave FM 96.6. दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो याद रखिए कि सबसे खूबसूरत जगह है किसी की सोच में रहना, किसी की दुआओं में रहना और किसी के दिल में रहना। वेव एफएम 96.6 हमेशा आपके दिल, दुआओं और सोच में। Day is over, night has come. Night has come. Night has come. Today is gone. What's done is done. Is done. Is done. Embrace your dream through the night. Tomorrow comes with a whole new light. New light. Only on Wave FM 96.6. Change is beautiful. Listen Wave FM 96.6. दिल की धड़क, जिंदगी की रमक, हर लहर एक सांस। वेव एफएम 96.6। ताल्लुक जो दिल का दिल से है, आवाज जो समातों को भली सी लगती है, हवा के दोष पर लहरों सी झूमती आवाजों का नाम Wave FM 96.6। आओ खेलें। नहीं अम्मी ने मना किया। आओ समोसा खाएं। नहीं अम्मी ने मना किया। आओ मैं फसाने तलाश करता हूं, आप उनवान ढूंढ कर लाएं। आओ बादा कशों की बस्ती से कोई इंसान ढूंढ कर लाएं। जहानत रो रही है मुंह छुपाए, जहालत कह कहे बरसा रही है। अदब पर अफसरों का है तसल्लुत, हुकूमत शायरी फरमा रही है। सुनिए प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फारुख शेख हर हफ्ते की दोपहर 2 बजे सिर्फ वेव एफएम 96.6 पर। Your silence has a sound. FM 96.6. खामोशी से तहरीक तक, उम्मीद से संगीत तक, आपके साथ FM 96.6। दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो याद रखिए कि सबसे खूबसूरत जगह है किसी की सोच में रहना, किसी की दुआओं में रहना और किसी के दिल में रहना। वेव एफएम 96.6 हमेशा आपके दिल, दुआओं
और सोच में। मैं फसाने तलाश करता हूँ, आप उनवान ढूंढ कर लाएं। आओ बादा कशों की बस्ती से कोई इंसान ढूंढ कर लाएं। जहानत रो रही है मुंह छुपाए, जहालत कह कहे बरसा रही है। अदब पर अफसरों का है तसल्लुत, हुकूमत शायरी फरमा रही है। सुनिए प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फारुख शेख हर हफ्ते की दोपहर 2 बजे सिर्फ वेव एफएम 96.6 पर। We all love to listen. Wave FM 96.6. जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बताता चलूं जिन लोगों ने भी ट्यून किया है कि आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स में वेव एफएम 96.6 पर, और उसके साथ कंज्यूमर कोड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उमर शहजाद साहब और मुबशर इस्लाम, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और दोनों से काफ़ी जो है वो सैर हासिल मालूमात जो है वो मिल रही है, और इनके साथ साथ आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसको भी मैं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। अब्दुल गफ़ार हैं, कहते हैं जी कायम सैन रोड पे दरबार है, उसके पास बहुत ज़्यादा लोडर्स होते हैं, रश होता है, तो उसके लिए आप कोई ना कोई करें प्रोग्राम या उसके जो भी मुतलका हुकाम हैं उन तक मैसेज पहुँचाएँ। गफ़ार साहब काविश होती है, एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि आपके मैसेज को वहाँ तक पहुँचाया जाए, और बाज़ात ये भी कोशिश होती है कि अगर वो नुमाइंदगान हैं वो थोड़ी सी हिम्मत करके हमारे पास स्टूडियो में आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट आपका क्वेश्चन वहाँ तक पहुँचाते हैं और उनसे उसका हल भी ले लेते हैं। जावेद इकबाल साहब हैं, कहते हैं जी कि कंज्यूमर कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको बताने में थोड़ी सी गलती है, उसमें ये कि सादा कागज़ पर दरख्वास्त दी जाती है और कोई पैसा नहीं लगता, वकील भी नहीं करना पड़ता, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं यकीनन ये उमर साहब के साथ भी शेयर करूँगा बातें। नजमा नुशाही हैं फैसलाबाद से, कहती हैं जी वेलकम फ़ारुख, बहुत शुक्रिया नजमा। और नदीम रज़ा हैं, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। रिदा सिंधु हैं, डूइंग ग्रेट, बहुत शुक्रिया रिदा आपका, आप प्रोग्राम में इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहें, अपने मैसेजेस शेयर करते रहें ताकि प्रोग्राम का उनको हिस्सा बनाते रहेंगे। मैं वापस आता हूँ प्रोग्राम की जानिब, और मुबशर ब्रेक पर जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि जो डबल काउंटिंग सिस्टम है हमारे टैक्स में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि अगर कोई शख्स है वो नॉन फाइलर है, वो किसी इदारे में जॉब करता है और उसकी जब सैलरी आती है, सैलरी स्लिप बनती है, तो उसमें उसकी टैक्स की डिडक्शन हो जाती है, वो ऑलरेडी नॉन फाइलर है, तो वो जो टैक्स डिडक्ट हो गया वो किस काउंटिंग में जाएगा, उसका शुमार कहाँ पर होगा, एक तो ये चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि सेल टैक्स में डबल काउंटिंग अमूमन देखने में हमें मिलती है जी, कि हम फाइलर नहीं हैं लेकिन प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक हमें टैक्स पे करना पड़ जाता है। सही है, कंपनी जो है वो अपने बिहाफ पे टैक्स पे कर रही है वो, क्योंकि वो फाइलर है और रजिस्टर्ड है। बिल्कुल सही, तो ये जो प्रोसेस है इसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं? सबसे पहली जो चीज़ आपसे पूछी है कि अगर कोई एम्प्लॉय है किसी इदारे में है, वो फाइलर नहीं है और उसका टैक्स डिडक्ट हो जाता है, सही, तो वो कैसे उसको अपने सिस्टम में ऐड कर सकता है? जी फारूक भाई, पहले तो मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि जो डबल काउंटिंग है ना वो चीज़ क्या है। ठीक है, अच्छा, इसको काफ़ी हद तक रोकने के लिए उन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, अच्छा, अब एक अगर एम्प्लॉई है किसी भी इदारे में, वो उसके लिए आसानी इतनी कर दी है कि उसकी स्लैब ही उन्होंने एनुअल 6 लाख तक ले गए हैं, 6 लाख तक उस पर कोई टैक्स ही नहीं है। बिल्कुल सही, जो कि 50,000 पर मंथ बनती है। अब वो 50,000 पर मंथ वाले का तो कोई टैक्स उनकी उसको इतनी आसानी दे दी गई है क्योंकि सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो चुका है, उसके लिए उन्होंने टैक्स की छूट दे दी। लेकिन जो इसके साथ साथ मैं बात करूं जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स हमेशा हिट होता है एंड कस्टमर को, एंड कंज्यूमर को। ठीक है, लाइक हम कोई आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, इवन ये छोटी सी छोटी चीज है, कोल्ड ड्रिंक है, बोतल है, कोका कोला है या पेप्सी है, उस पे भी हम लोग सेल टैक्स दे रहे होते हैं। तो वो तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में काफी ऐसी अशिया है जो जिसपे हम लोग सेल टैक्स दे देते हैं, लेकिन वो एंड कस्टमर का एक्सपेंस ही क्लेम हो सकता है, मतलब क्लेम नहीं हो सकता, डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सारा खर्चा हम लोग
तब तक उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक डॉक्यूमेंटाइज नहीं कर सकते जब तक हम टैक्स पेयर नहीं होंगे. गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया है कि आपके जो भी अखराजात हैं आप उसको डिक्लेयर करें, हम उसको मानेंगे. लेकिन अब यहाँ पे लोग विलिंग ही नहीं है उसको रिटर्न फाइल करने में, टैक्स पेयर होने में. तो इस सूरत में पे भी, बिल्स के ऊपर भी तो टैक्स जी ऐड होता हम है लोग ना? हम लोग रूटीन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे टैक्स नहीं दे रहे, नहीं दे रहे. इवन के हम लोग जो अपना मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं उस पर भी आ रहा है. फिर ये भी हमारे लिए आसानी है टैक्स पेयर के लिए कि वो 100 रुपए वाले कार्ड के पीछे 12.5 रुपए का उसको रिबेट मिलता है इनकम टैक्स की मद में, जो कि अपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में वो एडजस्ट कर सकते हैं. तो ये हम लोगों ने रूटीन में 15-20 हजार रुपया इनकम टैक्स की मद में और सेल टैक्स तो मतलब काफी पे किया होता है. तो इसका एक्सपेंस हमें या इसका क्रेडिट सिर्फ एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में आ सकता है. सही है, बिल्कुल. अच्छा, मैं यही आपसे पूछने वाला था, जैसे आपने जिक्र किया रिबेट का जी. अब जहाँ जहाँ पर हम टैक्स अदा करते हैं, हम यूटिलिटी बिल्स के ऊपर बहुत सारा टैक्स पे कर रहे हैं. इवन के 60% एक्चुअल कॉस्ट होती है, 40% के करीब हम सिर्फ टैक्स ही पे कर रहे होते हैं. वो सारी 40% अमाउंट है, अगर मंथली एग्रीगेट किया जाए तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है. तो वो रिबेट उसका मिलता है जो फाइलर होता है. रेजिडेंशियल जो यूटिलिटीज है ना उस पे ना गैस के बिल पे इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, वो हमारा एक्सपेंस क्लेम हो जाता है. इसी तरह बिजली के बिल पे भी इनकम टैक्स नहीं होता, सिर्फ सेल्स टैक्स होता है. ये सिर्फ कमर्शियल यूटिलिटीज पे होता है और वो भी बिजली के बिल पे. और हमारा आजकल जो हर घर की एक जरूरत बन चुकी है, इंटरनेट DSL है और नया टेल है, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं इंटरनेट प्रोवाइड करें, तो इन पे हमारा अच्छा खासा इनकम टैक्स जो है ना वो एवरेजली सालाना जो है वो 3-3.5 हजार रुपए तक चला जाता है. तो इसको हम जब सब अमाउंट्स को क्लब करें तो 10-15 हजार रुपए की फिगर बन जाती है. और उसका हमें रिबेट मिलता है, गवर्नमेंट उसको मानती है, FBR उसको मानता है. लेकिन बात यह है कि उसको क्लेम करें तब है. बिल्कुल सही है. हाँ, उससे बचा तब जा सकता है कि हम उसको डिक्लेयर करें. यानी कि सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें टैक्स सिस्टम में आना पड़ेगा, उसके नेट में आना चाहिएगा, रिबेट बाद में मिलेगा हमें. अच्छा जी, दूसरी बात आपने ये बताई कि फाइलर और नॉन फाइलर की जो आप बात करते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स के हवाले से. डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को कहते हैं और सेल टैक्स को कहते हैं, जो कि हमारी डायरेक्ट सेल्स पे हिट होता है. और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इनकम टैक्स को कहते हैं. इनकम टैक्स हमें एनुअल लाइक इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू पे करना पड़ता है. सेल टैक्स जो है वो एंड कस्टमर के लिए तो उसको हिट होता ही एज एक्सपेंस, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस मैन है, उस पे कुछ शराइत के बाद ये लागू होता है. बिल्कुल सही. हाँ, है. और तब वो अपनी रजिस्ट्रेशन लेता है और फिर उसकी मंथली फाइलिंग पे आता है. उसको उसको भी इस चीज का रिबेट मिलता है. और मैं एक बात यहाँ पे यहाँ जो सुनने वाले उनको क्लियर कर दूं कि जो सेल्स टैक्स है, कारोबार है, वो उनसे कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन भी आगे परचेजिंग कर लेते हैं. लाइक धागा है या कपड़ा है, कुछ स्टोर्स रजिस्टर्ड जरूर होते हैं. कुछ वो उनसे जो परचेजिंग होती है वो उनको सेल टैक्स चार्ज करते रहते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ परचेज वहाँ पे कुछ मसाइल आते हैं उनको. तो उनके लिए भी मैं यहाँ मैसेज एक कन्वे करूँगा कि मैक्सिमम सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड हों, जो इस जो लाइबल हैं, जिनको ज़रूरत है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने की, क्योंकि उनके थ्रू भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो आवाम को पहुंचने चाहिए. बिल्कुल सही है. रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड की जब आप बात करते हैं तो उसके ऊपर भी आपसे मैं यकीनन पूछना चाहूंगा कि जो आप रिबेट की बात करते हैं या क्लेम की हम जब बात करते हैं कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से कि प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें हमारा जो हमारी कंप्लेंट है या क्लेम है किसी भी शॉपकीपर के अगेंस्ट या किसी फर्म के या कंपनी के अगेंस्ट, ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड होगी? रजिस्टर्ड होगी तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स रखती होगी. नॉन रजिस्टर्ड होगी, लोकल सेटअप होगा तो वो शायद प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं रखता, अपनी स्टेशनरी नहीं रखता, लेटर हेड नहीं है उसके पास. तो आप इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं, रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन सारी रजिस्टर्ड होती है, स्टैम्प पैड उनका है या फिर उनका लेटर हेड है, आप वहाँ से परचेजिंग करेंगे आपको ऑटोमेटिक जो है वो एक बिल मिलेगा जैसे आप अभी बता रहे थे. तो अगर नॉन रजिस्टर्ड है उसके पास तो ये चीज़ें नहीं है, क्या उस बंदे के ऊपर भी क्लेम हो सकता है? इसमें जो है दुकानदार, इसमें जो कंज्यूमर है वो भी एप्लीकेशन दे सकता है महकमे में कि जनाब ये बंदा है ये रजिस्टर्ड नहीं है. अदरवाइज तो FBR जो है वो इतनी एक्टिव है कि उसके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि वो किसी भी चीज़ को
आके वेरीफाई कर सकते हैं कि जनाब आप दिखाएं आपकी ये चीज़ नहीं पूरी, ये चीज़ नहीं पूरी। इसमें जो है हमारी हुकूमत के भी काफ़ी जो है सोर्सेज होते हैं कि उन्हें पता होता है कि इस चीज़ का कि फलां जगह पे ये काम हो रहा है, फलां जगह पे ये काम हो रहा है, तो उनकी बाकायदा तौर पर एक टैक्स की अमाउंट भी होती है जो कि हर दुकानदार अपने प्रोफेशन के हिसाब से पे करता होता है। सही है, जो वो कारोबार शुरू करता है वो एनुअली होती है या वन टाइम वंस इन ए बिगनिंग होती है। तो इसमें जो भी होती है, जो इसमें रिलीफ मिल सकता है किसी भी बंदे को, तो इसमें वो दुकानदार की जो रसीद है ना उस पर हमारा बेसिक कंसंट्रेशन होना चाहिए कि वो जो रसीद है कस्टमर से, कस्टमर को वो देनी चाहिए दुकानदार को। अच्छा, अभी एक हमारे साथ जो कॉलर थे वो इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी शायद रखते हैं, वो उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। वो कहते हैं कि ये बड़ा एक सिंपल प्रोसेस होता है, इनकम टैक्स जो लॉ है वो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सादा कागज़ के ऊपर एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके लिए आपके कोई भी चार्जेस नहीं होते, कोई आपको खास तौर पे वकील हायर नहीं करना पड़ेगा। सही, उसमें सिंपली भैया ये होता है कि एक लीगल नोटिस होता है, वो भी एक सादे कागज़ पर होता है, वो एक किसी भी खुद भी भेज सकता है, वो किसी वकील के जरिए भी भेज सकता है। सही, उसके बाद अगर वो फाइलिंग में आता है, फाइलिंग में भी वो खुद भी फाइल कर सकता है केस को, और उसकी खुद भी प्रोसीडिंग देख सकता है, उसकी कार्रवाई खुद भी कर सकता है। क्योंकि बेसिकली तो किसी भी कोर्ट को कन्वे करने की चीज़ होती है ना कि आप किसी भी अदालत को या किसी भी कोर्ट ऑफिस को कन्वे कर रहे हैं कोई चीज़, अपने आप मसाइल बता रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट से ये नुकसान हुआ है, आपने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई क्रीम वगैरह या कोई पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको बेसिकली ये चीज़ चाहिए कि उसमें डॉक्टर की भी ऑब्जर्वेशन आएगी, उसमें जो है एक्सपर्ट व्यू जो है वो भी काफ़ी ज़रूरी होती है कि आया देखा जाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट से नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें ब्लैकमेलर काफ़ी भी आ जाते हैं इसमें हमारे इस जो है लोगों के जरिए। उस प्रोडक्ट में जितने फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे जो इन्वॉल्व होते हैं जी, जी। उन सबको चेक किया जाता है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब बिजनेस टेक्निक्स चेंज हो चुकी हैं जी। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता ई कॉमर्स की तरफ चले गए हैं, ऑनलाइन बिजनेस का रुख कर लिया है और बहुत सारे लोग इस कारोबार को कर रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पे हमें ये कंप्लेंट मिलती है या सुनने में देखने में आती है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो ऑर्डर कुछ और किया जाता है और बदले में कुछ और आता है जी। तो ऐसी कंप्लेंट्स को कैसे फाइल किया जा सकता है? ऐसी कंप्लेंट को आप सबसे पहले तो आप जिस वेबसाइट पर हैं उसको वेरीफाई करें कि आया वो रिलायबल है या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं मोबाइल पर कंप्यूटर पर, उसके ज़रिए आप जो भी ऑर्डर देते हैं उस ऑर्डर की आपके पास जो है एक प्रिंट आउट की शक्ल में उसका एक क्लेम हो, और उसके अलावा जो आपने चीज़ परचेज़ की है उसके साथ भी एक स्लिप आती होती है, आप जो भी चीज़ खरीदते हैं वो भी आपके पास मौजूद हो, और उस पे आपके जो भी होते हैं प्रोडक्ट्स आप थ्रू नेट चेक कर सकते हैं या उस रसीद पर भी उस चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स उन्होंने लिखे होते हैं कि इस चीज़ को ऐसे इस्तेमाल ना करें, ऐसे ना करें, उसको इस तरीके से इस्तेमाल तो बाद में आता है, पहले तो प्रोडक्ट आती है। ऑनलाइन जब हम परचेजिंग करते हैं तो इस्तेमाल तो बाद में आएगा, हमने ऑर्डर कर दिया। मिसाल दे रहा हूँ कि कराची से या किसी शहर से कोई प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर आ गई, अब वो उसकी क्या वर्थ होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी का लेवल क्या होगा, प्रोडक्ट का कितने रिलायबल होगी, वो कितना देर चलेगी, वो तो बाद की बात है। लेकिन जब प्रोडक्ट आती है तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमने ऑर्डर कुछ किया और मिला हमें कुछ और है, पहला क्लेम तो यहीं से शुरू हो गया। दूसरी बात उसके बाद आती है कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, हमने प्रोडक्ट जो है वो 2000 की ऑर्डर की है, हमें मिली 1000 वाली है, ये क्लेम बाद में आएगा, पहले तो प्रोडक्ट आएगी। क्या वो चीज़ें भी हमारी जो इसकी कंप्लेंट है उसका हिस्सा होती हैं? जी जी, इसमें ये चीज़ होती है कि आप जो चीज़ ऑर्डर करते हैं उसको वेरीफाई करें कि आप क्या चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी इकसाम आ जाती है ना। समटाइम वेबसाइट पर आपको एक चीज़ की काफ़ी किस्में दिखाई जाती हैं, 10-12 इकसाम होती हैं कि इसकी फ़लाँ अमाउंट है, इसकी फ़लाँ अमाउंट है, इसकी फ़लाँ अमाउंट है। आप उस चीज़ को जब ऑर्डर करते हैं तो वेरीफाई कर लें कि आप कौन सी वाली चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। सपोज एक मोबाइल है या ब्लूटूथ है कोई, समटाइम्स इस तरह की आइटम है, उसकी काफ़ी कंपनीज हैं, काफ़ी कंपनीज उसको बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, उसको जब आप वेरीफाई करेंगे कि आपने ये वाली चीज़ मंगवाई है, उसमें काफ़ी कीमतें भी डिफरेंट होती हैं, उनकी जो कंपनीज हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपने एक चीज़ अब सेलेक्ट कर ली है ना, आपने उस चीज़ को ऑर्डर कर दिया, अब वो चीज़ आपके पास पहुंच गई है, आप देखते हैं कि ये तो डिफरेंट हो गया उस चीज़ से, उस शक्ल में आप एक एप्लीकेशन लिख के आप FIA को भी दे सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, ये दोनों फोरम है हमारे पास, क्योंकि जो है इंटरनेशनल लॉज के रिलेटेड है वो FIA डील करेगा, अगर
आउट ऑफ कंट्री कोई चीज़ आपने मंगवाई है या इन कंट्रीज आपने मंगवाई है, तो आप फिर भी FIA को ही क्लेम कर सकते हैं इस चीज़ के हवाले से, इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो फिर अपनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही है मुबशर भाई, टैक्स सिस्टम की एक एग्जांपल ले रहे हैं हम जी। पाकिस्तान में जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए या बेटरमेंट के लिए हमेशा कोड करते हैं डेवलप कंट्रीज की डेवलपमेंट को, कि वहाँ पे ये तरक्की हो रही है, यहाँ पे सिस्टम ये है, हमें ये सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल सही है। क्या टैक्स सिस्टम की को रिफाइन करने के लिए, ये ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए भी हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं, हम उनको कोड करते हैं या फिर हम अपने लॉस के मुताबिक उसको लेके चलते हैं? बज़ाहिर ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं महसूस होती हैं जितनी होती हैं एक्चुअली, और उसकी रीज़न यही है, आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जितने भी हर बंदा जो है वो टैक्स पे करने से पहले ये सोच रहा होता है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि पॉकेट से एक्स्ट्रा पे करना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें फ़र्क भी मैं आपको बताता चलूँ कि टैक्स जब तक नहीं देंगे, कोई भी पर्सन टैक्स नहीं देगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये सारा लोड इन्हीं 29 लाख लोगों पे है। सही है, ठीक है। अब ये हम लोग कोड करते रहते हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, फ्री तालीम चाहिए, फ्री हेल्थ चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए। हम लोग जब तक अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे ये चीज़ें हमें मिल नहीं सकती, क्योंकि हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल लाजमी है। तो हमें जब तक टैक्स नहीं देना है तो उसके लिए हमें ऐसी डिमांड भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अदर कंट्रीज़ की एग्जाम्पल्स हैं, क्यों नहीं, क्यों ये लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके भी तो उन रूल्स को फॉलो करते हैं ना, हर चीज को, वहां सफाई का भी ख्याल करते हैं, कोई चीज सड़क पे नहीं फेंकते, उसकी पेनल्टीज हैं। तो वही चीजें यहाँ पे भी की जा सकती हैं। अच्छा, उन्हीं बातों को अडॉप्ट किया जा सकता है यहाँ पे भी। आप मतलब अपने घर का गंद है वो बाहर आप ढेर लगा देते हैं, तो ये चीज़ें सारी जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अवेल नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है अदारों से डरने की, अदारे, कोई भी बंदा आपको तब तक कुछ नहीं कहता जब आप उनको खुद तंग नहीं करते, मौका नहीं देते। तो आप टैक्स दें, डिपार्टमेंट आपको छेड़ता नहीं है, तंग नहीं करता, बल्कि अभी तो डिपार्टमेंट इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो गया वहाँ पे, उन्होंने आप कोई भी इंडिविजुअल जाए, वो जो आपने एडवोकेट साहब थे कोई जिनकी कॉल थी, उन्होंने बात की कि किसी भी चीज के लिए, नहीं हूं एडवोकेट थे, कोई भी, सॉरी, जावेद इकबाल साहब थे, चले अच्छा है मैंने उनको एक रुतबा और दे दिया एडवोकेट का। अच्छा, जावेद इकबाल साहब के लिए मैसेज ये दे दूंगा कि कोई भी कॉमन पर्सन जो है वो कहीं पे भी अपीयर हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपीयर हो सकता है। बिल्कुल। और उसको किसी भी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉमन पर्सन अगर उसको रूल्स एंड लॉ पता है उस कोर्ट के, उस इदारे के, तो वो खुद अपीयर हो सकता है। तो फीस तो आपको भी पता है गवर्नमेंट के किसी इदारे की कोई भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन जहाँ पे अनअवेयरनेस आ जाती है, लोगों को नहीं पता, वहाँ पे फिर हमारी खिदमात हासिल की जाती हैं और हम उसके अगेंस्ट अपनी फ़ी चार्ज करते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे मैंने अभी बात की है कि हम कंपैरिजन हमेशा देते हैं डेवलप कंट्रीज़ के साथ, दूसरे ममालिक में जो भी प्रोडक्ट्स हम परचेज़ करते हैं वहाँ पर हम उनके बदले में टैक्स पे करते हैं और वहाँ पे हमें जो भी उसकी कॉस्ट होती है हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो जितने डॉलर्स में होगी, जितने पाउंड में होगी, हम उसको पे करेंगे। वैसे ही प्रोडक्ट हम यहाँ पर लेंगे तो हम उसको पे नहीं करेंगे, हमें उसमें 100 तरह की खामी नज़र आएगी, हमें उसके ऊपर टैक्स अदा करने में खामी नज़र आएगी। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जब भी टैक्स दिया जाता है तो ये सोचा जाता है कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा। हर बंदा रिक्वायर करता है कि उसको पीने का साफ पानी मिलना चाहिए, एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए उसको, हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली जब हमारे पास इतनी अवेयरनेस होगी, जब हमें इतना पता होगा कि हम टैक्स अदा करेंगे, हम फाइलर बनेंगे, तो हमारी सहूलियात जो हैं वो ऐसा ऐसा बढ़ जाएंगी, हमें हमारा टैक्स हमारे ऊपर लगाया जाएगा। अभी तक आपको जो महसूस होता है कि टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगता, वो शायद ओवरबर्डनाइज हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डनाइज नहीं होंगी। जब ये बोझ बट जाएगा, बाकी लोगों के ऊपर भी बराबर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चेंज इज ब्यूटीफुल, लिसन वेव FM 96.6। दिल की धड़क, जिंदगी के रमक, हर लहर एक सांस, वेव FM
96.6 तालुक जो दिल का दिल से है, आवाज जो समातों को भली सी लगती है, हवा के दोष पर लहरों सी झूमती आवाजों का नाम वेव एफएम 96.6। आओ खेलें। नहीं अम्मी ने मना किया। आओ समोसा खाएं। नहीं अम्मी ने मना किया। आओ रेस गाएं। अम्मी ने मना किया है। और कैसे बचाऊं इसे पेट के कीड़ों से? पेट के कीड़े तो किसी भी बच्चे को हो सकते हैं। इनको खेलने से नहीं, कीड़ों को पलने से रोकें। साल में एक बार बच्चों को डी वार्मिंग की गोली खिलाएं ताकि ये सेहतमंद रहें। पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर। Admissions open in the University of Faisalabad. Faculty of Law is offering Bachelor of Law, LLB, 5 years program. Highly qualified and experienced faculty including ex-judges and senior lawyers. Law Moot Courtroom allows our students to practice presenting cases in a real-life setting. Fully established QEC to ensure quality of education. Well-stocked law library and high-tech computer labs. Vibrant academic environment. National and international collaborations and linkages for student exposure. Apply online on admission.tuf.edu.pk. UAN 041-111-883. Mobile number 0330-1980-690 up to 91. Visit website www.tuf.edu.pk. The University of Faisalabad. Motivation, inspiration, innovation. This message is brought to you by Pakistan Deworming Initiative. Assalamu alaikum. क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे पेट के कीड़ों की बीमारी से लड़ते हैं और इस खतरे की वजह से, पेट के कीड़ों की वजह से उनकी जहनी जिस्मानी सेहत भी मुतासिर होती है। Unfortunately, बहुत सारे बच्चे हैं जो के वर्म इन्फेक्शन, पेट के जो कीड़े होते हैं उसकी वजह से प्रॉपर नशोनुमा नहीं पा पाते और बच्चों की सेहत से बढ़ के हो भी क्या सकता है। इस मुस्तकबिल को संवारने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को डीवर्म करें। एज अ पेरेंट इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पाकिस्तान डीवर्मिंग इनिशिएटिव बच्चों के स्टमक वर्म्स को खत्म करने की एक मुहिम है। इस मुहिम के तहत बच्चों को एक टैबलेट खिलाई जाती है जो WHO और ड्रैप से अप्रूव्ड है। आपकी सपोर्ट की वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है। सो आइए मिलकर अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। डीवॉर्मिंग प्रोग्राम जो है वो ही एक हल है बच्चों को कीड़ों से बचाने के लिए। पाकिस्तान डीवॉर्मिंग इनिशिएटिव को सपोर्ट करें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर। पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर। पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर। ताल्लुक जो दिल का दिल से है, आवाज जो समातों को भली सी लगती है, हवा के दोष पर लहरों सी झूमती आवाजों का नाम वेव एफएम 96.6। Admissions open in the University of Faisalabad. Faculty of Law is offering Bachelor of Law, LLB, 5 years program. Highly qualified and experienced faculty including ex-judges and senior lawyers. Law Moot Courtroom allows our students to practice presenting cases in a real-life setting. Fully established QEC to ensure quality of education. Well-stocked law library and high-tech computer labs. Vibrant academic environment. National and international collaborations and linkages for
or student exposure. Apply online on admission.tuf.edu.pk. UAN 041-111-883. Mobile number 0330-1980-690 up to 91. Visit website www.tuf.edu.pk. The University of Faisalabad. Motivation, inspiration, innovation. We all love to listen. Wave FM 96.6. Change is beautiful. Listen, Wave FM 96.6. We all love to listen. Wave FM 96.6. खामोशी से तहरीक तक, उम्मीद से संगीत तक, आपके साथ FM 96.6। अच्छी सेहत के लिए अच्छी खुराक का होना निहायत जरूरी है और अच्छी खुराक के लिए आपको चाहिए एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट। माहिरे गिजायत शीजा अहमद, न्यूट्रिशन और वेलनेस सेंटर, आपकी सेहत के मुतालिक अब सब मसाइल का हल। न्यूट्रिशन और वेलनेस सेंटर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, तमाम अमराज़े कल्ब, अमराज़े जिगर, हर तरह की पथरी, बढ़ता हुआ यूरिक एसिड और बढ़ता हुआ वजन, खुसूसी गिजाई चार्ट बनवाएं और अच्छी सेहत पाएं। क्लिनिक के औकात सुबह 11 से शाम 4 बजे तक। एड्रेस न्यूट्रिशन एंड वेलनेस सेंटर, MTH क्लिनिक, यूनिवर्सिटी एवेन्यू, फैसल टाउन, किनाल रोड, फैसलाबाद। कॉन्टैक्ट 0418750975, एक्सटेंशन 468। चेंज इज ब्यूटीफुल। लिसन वेव FM 96.6। University of Faisalabad, admission open fall 2021. 9 faculties and 90 plus programs. Experience state of the art campus facilities, advanced labs, LMS, e-learning, digital library, student societies, hostels, and a culture thriving towards the future. Apply now. For more information, visit admission.tuf.edu.pk. Send us your application and join us for empowering the youth for a prosperous Pakistan. The University of Faisalabad. Motivation, inspiration, innovation. खामोशी से तहरीक तक, उम्मीद से संगीत तक, आपके साथ FM 96.6। पाकिस्तान तो उठो पाकिस्तान। आरजे सारा का है आप सबको सलाम। आई एम हियर टू मोटिवेट यू एंड एंटरटेन यू ऑन एवरी मंडे ऑन सनराइज शो फ्रॉम 9 AM टू 11 AM ओनली ऑन वेव FM 96.6। आओ खेलें। नहीं अम्मी ने मना किया। आओ समोसा खाएं। नहीं अम्मी ने मना किया। आओ रेस गाएं। अम्मी ने मना किया है। और कैसे बचाऊं इसे पेट के कीड़ों से? पेट के कीड़े तो किसी भी बच्चे को हो सकते हैं। इनको खेलने से नहीं, कीड़ों को पलने से रोकें। साल में एक बार बच्चों को डी वार्मिंग की गोली खिलाएं ताकि ये सेहतमंद रहें। पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर। मैं फसाने तलाश करता हूँ, आप उनवान ढूंढ कर लाएं। आओ बादा कशों की बस्ती से कोई इंसान ढूंढ कर लाएं। जहानत रो रही है मुंह छुपाए, जहालत कह कहे बरसा रही है। अदब पर अफसरों का है तसल्लुत, हुकूमत शायरी फरमा रही है। सुनिए प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फारूक शेख हर हफ्ते की दोपहर 2 बजे सिर्फ वेव FM 96.6 पर। जिंदगी बचाने में मदद कीजिए। एम्बुलेंस को रास्ता देकर एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। आपका थोड़ा सा तावुन किसी इंसान की जान बचा सकता है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय वेव FM 96.6।
चेंज इज ब्यूटिफुल. लिसन वेव एफएम 96.6. We all love to listen. Wave FM 96.6. अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय Wave FM 96.6. ताल्लुक जो दिल का दिल से है, आवाज जो समातों को भली सी लगती है, हवा के दोष पर लहरों सी झूमती आवाजों का नाम वेव एफएम 96.6. मैं फसाने तलाश करता हूं, आप उनवान ढूंढ कर लाएं. आओ बादा कशों की बस्ती से कोई इंसान ढूंढ कर लाएं. जहानत रो रही है मुंह छुपाए, जहालत कह कहे बरसा रही है. अदब पर अफसरों का है तसल्लुत, हुकूमत शायरी फरमा रही है. सुनिए प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फारूक शेख हर हफ्ते की दोपहर 2 बजे सिर्फ वेव एफएम 96.6 पर. जिंदगी बचाने में मदद कीजिए. एम्बुलेंस को रास्ता देकर एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए. आपका थोड़ा सा तावुन किसी इंसान की जान बचा सकता है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय वेव एफएम 96.6. दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान डीवर्मिंग इनिशिएटिव. अस्सलाम वालेकुम. क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे पेट के कीड़ों की बीमारी से लड़ते हैं और इस खतरे की वजह से, पेट के कीड़ों की वजह से उनकी जहनी जिस्मानी सेहत भी मुतासिर होती है. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे हैं जो के वर्म इन्फेक्शन, पेट के जो कीड़े होते हैं उसकी वजह से प्रॉपर नशोनुमा नहीं पा पाते और बच्चों की सेहत से बढ़ के हो भी क्या सकता है. इस मुस्तकबिल को संवारने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को डीवर्म करें. एज अ पेरेंट इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं. पाकिस्तान डीवर्मिंग इनिशिएटिव बच्चों के स्टमक वर्म्स को खत्म करने की एक मुहिम है. इस मुहिम के तहत बच्चों को एक टैबलेट खिलाई जाती है जो WHO और ड्रैप से अप्रूव्ड है. आपकी सपोर्ट की वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है. सो आइए मिलकर अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं. डीवॉर्मिंग प्रोग्राम जो है वही एक हल है बच्चों को कीड़ों से बचाने के लिए. पाकिस्तान डीवॉर्मिंग इनिशिएटिव को सपोर्ट करें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं. पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर. पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर. पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर. ताल्लुक जो दिल का दिल से है, आवाज जो समातों को भली सी लगती है, हवा के दोष पर लहरों सी झूमती आवाजों का नाम. Admissions open in the University of Faisalabad. Faculty of Law is offering Bachelor of. We all love to listen. Wave FM 96.6. खामोशी से तहरीक तक, उम्मीद से संगीत तक, आपके साथ FM 96.6. अच्छी सेहत के. वेलकम बैक. ब्रेक से वापस आ चुके हैं. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स वेव एफएम 96.6 पर और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं. आज हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से बात कर रहे हैं और कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से. दो बहुत ही मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों वकील हैं, टैक्स बार के जो मेंबर भी हैं. तो उनसे काफ़ी देर से गुफ्तगू चल रही है. तो अब जो है मैं कुछ जनरल डिस्कशन की तरफ आना चाह रहा हूं और मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे सुनने वाले भी ये जानना चाहेंगे कि जो वकला जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुबशर साहब कंट्रोवर्सी में रहते हैं हमेशा.
کچھ عرصے کے بعد ایک ٹرم آتی ہے کہ وکلا گردی ہو گئی وہاں پہ, یہ مال کٹائی ہو گئی. دوسری جگہ پہ جائیں گے تو وکیلوں کے بارے میں کسی, کبھی پولیس کے ساتھ ان کا تنازع ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اتنی کنٹروورسی کیوں ہوتی ہے؟ آپ ماشاء اللہ فیض آباد کے بھی ممبر ہیں ٹیکس بار کے, راولپنڈی اسلام آباد کے بھی ٹیکس بار کے ممبر ہیں, آپ تو سمجھتے ہوں گے ان چیزوں کو. فاروق بھائی, قائد اعظم نے ایک بار کہا تھا کہ وکیل ایک خاموش سیاستدان ہے. اچھا جی, اچھا وکلا کی اب نہیں اس پہ خاموشی, ہمیں فوکس کس پہ کرنا چاہیے, خاموشی پر کہ سیاستدان پہ؟ خاموشی تو ختم ہو گئی لیکن سیاستدان جو ہے وہ عروج پہ آ گئے. بالکل صحیح ہے. اچھا, کچہری کی جورجکشن میں جو ایک پروفیشن تھا یہ بڑا اچھا تھا اور پڑھا لکھا طبقہ تھا وکلا کا. ایک ہم بڑی محنت کر کے اسٹیج پہ آتے ہیں, وکیل بنتے ہیں, پھر ہائی کورٹ کے وکیل ہمارا لسنس آتا ہے. اتنی محنت کرنے کے بعد ہمیں تقریباً کچھ 6-7 سال کی اسٹڈی کے بعد اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں. لیکن جو سیاست آ گئی, پالیٹکس آ گئی, اس میں انوالو ہو گئی, اس کے بعد یہ گروپ بندی بن گئی, لابی سسٹم آ گیا, لابی سسٹم آ گیا, گروپس بن گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ پولیٹیشن ہوگا وہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے, کنٹراورسیز بھی ہوں گی. تو اس کو ایسا توڑ دیا گیا کچہری جی کی جورجکشن کو کہ یہ پارٹ ان کا ہے, یہ ان کا ہے, اس پارٹی کا ہے, اور وہاں لڑائی جھگڑے آ گئے, معاملات آ گئے, ایک پارٹی کچھ کہتی ہے, دوسری کچھ کہتی ہے. لیکن یہ وہ سارا کچھ جو ہے نا جیتنے کے لیے, ایک سیٹ کیبنٹ میں آنے کے لیے بڑی بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک میں تو سمجھتا ہوں لابی سسٹم ہے. بالکل صحیح ہے جی. جو اس میں رائٹس آتے ہیں کسی بھی وکیل کے, وہ اپنے رائٹس کے خلاف خود ہی آواز اٹھا رہا ہوتا ہے, لڑ رہا ہوتا ہے, اور ایون کہ وہ ایک پوری کی پوری ایک ان کے نا لابی, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں باہر کے تو اس میں صدر ہے, جنرل سیکرٹری ہے, وائس پریزیڈنٹ ہے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, اور بعد میں یہی اپنے ڈیزیگنیشن کو یا چیزوں کو زیادہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جو وکلا ہوتے ہیں وہ اسی طرح لائن میں لگے ہوتے ہیں. بہت ساری کامن ایگزامپل جیسے بھی. بالکل صحیح بات ہے. سپورٹر تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سپورٹر کی حد تک ہی رہ جاتا ہے. جو الیکشن لڑ رہا ہے, کنٹیسٹ کر رہا ہے, وہ انجوائے تو وہی کرتا ہے اس سیٹ کو, اس کیبنٹ کو. تو یہ بلکہ سپورٹر کو تھوڑا سا ایک لیسن بھی ہے, ایک میرا میسج بھی ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایک خاص حد تک یا خاص وقت تک اس کو سپورٹ کرے, لیکن اپنی پریکٹس پہ دھیان زیادہ دے. بالکل صحیح. اس کو اپنے آپ کو قابل بنائے, کیونکہ اسے بھی آگے جانا ہے, وہ اس کو صرف سپورٹر کی ایک ڈیفینیشن کے انڈر نہیں رہنا. بالکل صحیح ہے. ہائی کورٹ بینچ کا قیام ایک بڑا باویلا اور شور مچا رہا. جی سر, یہ تو ایک کنٹروورسی رہی ہے اس کے اوپر. جی, 2013 میں جب میاں جاوید اقبال چاچو صاحب اس میں صدر تھے بار میں, تو تب یہ ہم نے سٹرائک کی تھی راؤنڈ باؤٹ, تقریباً 6-4 منتھ ہم نے روڈ بلاک کی تھی. روڈ بلاکنگ میں کافی سارے ہنگامے بھی ہوئے, وکلا بھی کافی خراب ہوئے, عدالتیں بھی کافی خراب ہوئیں, لوگوں کے کام بھی کافی ڈسٹرب ہوئے. لیکن اس کے لیے بھی ہمیں ایک پراپر پلیٹ فارم جو ہے وہ نہیں مل سکا. ہم نے کسی سے بات نہیں ہو سکی کہ ہائی کورٹ کا بینچ ہے وہ کس کے لیے زیادہ ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ وکیلوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ عام عوام کے لیے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ایک بندہ نے جب لاہور جانا ہوتا ہے نا ہائی کورٹ میں, سر وہ صبح 5 بجے اٹھتا ہے, 6 بجے والی گاڑی پکڑتا ہے, 8 بجے لاہور پہنچتا ہے, 8:30 بجے وہ کورٹ میں پہنچتا ہے, اس کے بعد 9 بجے جج صاحب بیٹھتے ہیں, اور تقریباً 11:30 بجے جا کے اس کا کیس ہو جاتا ہے لیفٹ اوور. اس کو پتا لگتا ہے میرا کیس لیفٹ اوور ہو گیا, اب دوبارہ تاریخ لگے گی اس کی. وہ وہاں سے دوبارہ نکلتا ہے لاہور سے 2 یا 3 بجے والی گاڑی میں, 4 یا 5 بجے پہنچتا ہے ادھر, 1 گھنٹہ فریش ہونے میں لگتا ہے. ایک پروسیس, ہیکٹک پروسیس ہو گیا, ہیکٹک پروسیس ہو گیا. اس میں اس بندے کی میرے خیال سے اماؤنٹ تقریباً 15,000-20,000 روپیہ اس کی لگ جاتی ہے, ٹریولنگ میں, کھانے پینے میں, کورٹ میں جانے میں, وکیل کو لینے میں, ڈاکومنٹس لینے میں. اب وہاں پہ بھی علیحدہ علیحدہ پروسیڈنگز ہیں, آپ نے کیس فائل کرنے کے لیے گئے ہیں یا آرگیومنٹ سننے کے لیے گئے ہیں, اس پہ علیحدہ علیحدہ اسٹیپ ہے. اس کے بھی علیحدہ علیحدہ ایکسپینڈیچرز ہیں. جو وکلا حضرات ہیں انہوں نے اپنی روز مرہ کی جو ہے کمائی کرنی ہوتی ہے. فیصل آباد کے میرے خیال سے 75% کیسز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. اگر ایک اور چیز, آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ابھی آپ نے ایک بات بولی کہ ہم نے اسٹرائکس کی, ہنگامہ رہی ہوئی,
देखिए जब भी स्ट्राइक्स होती हैं, ये लास्ट टाइम जब स्ट्राइक्स हुई हैं तो बड़ी एक तश्वीशनाक बात थी और बड़ी अफसोसनाक बात ये थी कि वकला ने स्ट्राइक की है और जितने भी मोजिज जजेज हैं उनके ऊपर हाथ उठाया गया है या फिर कोर्ट्स के तकद्दस को पामाल किया गया, तोड़ फोड़ की गई है। क्या ये चीज़ें हमारे माशरे में जेब देती हैं वकीलों को? फर्क पर इसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आया किसी वकील का ये जो एक्ट है किसी भी जज के साथ तलख कलामी, या तो उसकी पर्सनल कोई ग्रीवियंस है या फिर कोई केस में जज ने ऐसा ब्लंडर मार दिया है। क्योंकि हम सिर्फ वन साइडेड सुन के, नॉर्मली जो लोगों का जहन होता है वन साइडेड सुन के कहते हैं यार वकील ही नहीं सही है। सर वकील हम एक वो आपकी जो है ना पूरी की पूरी कम्युनिटी को डील कर रहा है, वो एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है वो। बिल्कुल सही बात तो है। एक बंदे की गलत हरकत है वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर एक निशान लग जाता है, दाग लग जाता है उसके ऊपर। वही ना, क्योंकि हमारे पास एक फोरम भी होता है ना, हमने एक एपीलेट फोरम है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी सिविल कोर्ट का फैसला है अदालतों में इसी तरह ही देखा जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नीचे देते हैं लोअर कोर्ट में देते हैं कि जनाब ये देखें इस मेरिट पर, इस फैक्ट्स एंड फिगर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया केस में, अब आप भी मेरे केस को डिग्री करें। अब जज साहब उस फैसले को इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज हैं, आपके केस के फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज हैं। वकला कहते हैं कि जनाब हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो केसेस के सेम हैं, हमारे केसेस को डिग्री किया जाए। लेकिन अब दोनों साइड से वकला खड़े होते हैं ना, उन्होंने अपनी साइटेशंस पेश करनी होती हैं, जो प्लेंटिफ का एडवोकेट है उसने अपनी साइड से आर्गुमेंट्स पेश करने होते हैं। अब जो भी जज के माइंड में आती है ये चीज कि जनाब इस ये जो है फैक्ट्स एंड फिगर इसके केस को जाते हैं, उसने उसको फेवर कर देनी है। सही है। अब उसमें जो ब्लंडर होता है वो नॉर्मली जो है लॉ पॉइंट का होता है कि एक जज के पास इख्तियार ही नहीं है कोई ऑर्डर करने का, अब वो ऑर्डर कर देता है उस जज का। बिल्कुल। अब वकील के पास या तो दो फोरम है, या तो पर्सनल हो जाए उस जज के साथ, उसके बाद रूमर्स उठानी शुरू कर दें कि जनाब ये जज जो है ये सही नहीं है, ये करप्ट है, लेता है, या व्हाटएवर कोई भी हो जाता है, तो या फिर उसकी उस ऑर्डर की अपील कर लें। क्योंकि सोसाइटी में ये चीज समझी जाती है कि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जज किसी भी दूसरे पर्सन को हराने के लिए या अपनी बात उसके दिमाग में फिट करने के लिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उस जो ऑर्डर उस जज ने किया है ना उसको ऊपर से रिवाइज करवाना है। लेकिन एक वकील की काबिलियत अगर इतनी नहीं है ना उस वकील की इतनी, तो वो बंदा जो है उस जज के खिलाफ अपील उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में जा सकता है, और अगर वहां से भी ऑर्डर नहीं आता उसका तो वो ऊपर फिर एक और फोरम होता है हाई कोर्ट का, हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। उसमें उमर भाई आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं, हमारा टेम्परामेंट नहीं मैटर करता है बीइंग द लॉयर, हमारा टेम्परामेंट तो बहुत अच्छा होना चाहिए आपके जितने भी सीनियर्स हैं, क्योंकि ये सारा कुछ आपसे मुरादी है कि आपके टेन्योर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपके जो कम्युनिटी है उसको डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपके पीयर ग्रुप के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। जो सीनियर्स हैं हमारे एडवोकेट्स हैं वो इस सारे फेज में नहीं कभी देखेंगे ना सुनेंगे, उनके दौर में कभी हमने ये चीजें नहीं सुनी या देखी, और अब ये चीजें बड़ी कॉमन नजर आती है। सर बिल्कुल सही बात है आपकी, आप जो कह रहे हैं कि हमें एक सब्र की कमी है, बर्दाश्त की कमी है, ये जो हमारा जो न्यू जनरेशन आ रही हैं उसमें ये चीज तो बिल्कुल ही नहीं है। उसके साथ अगर कोई भी बात करता है ना तो फौरन टूट के पड़ते हैं अगले बंदे को। कहते हैं जी ट्रेंड भी, मैं उमर भाई की बात को इंटरप्ट करता हूं, एक ट्रेंड भी जो है वो बन चुका है, जो यंग लॉयर्स हैं वो ये देखते हैं कि भाई हमारे सीनियर जो हैं वो जाके एक थोड़ी सी गर्मजोशी से जज के सामने अगर बात करते हैं तो वो जो सीनियर्स हैं हमारे उन्होंने एक वक्त गुजारा है, एक उनका एक्सपीरियंस है, वो एक वो एक खास पॉइंट पे जाके अपनी थोड़ी सी आवाज उठाते हैं जहां पे वो बिल्कुल मेरिट पे हैं। लेकिन ये लोग समझते हैं यंग जनरेशन हैं, यंग लॉयर्स हैं हमारे, हैं जूनियर्स हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन वो बात ये करते हैं कि भाई हमारे बड़ों ने हमारे सीनियर्स ने बात उठानी है, हमने उनसे ये देखा है उनको, तो वो किसी और सेंस में उस बात उठाने को ले जाते हैं, वो बदमाशी भी आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो जो कि गलत है, वो टेम्परामेंट उनका जो है वो ऑनरेबल जजेस जो हैं वो बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, सीनियर्स हैं हमारे और उनकी रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि हम अगर उन्हीं से बिगाड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन हमारे पे निकालेंगे, ऑर्डर्स हमारे अगेंस्ट कर सकते हैं। अदर वर्ड्स ये कि बेसिकली तो एक ही है ना जी, बिल्कुल कम्युनिटी तो सेम है, लेकिन वो कुछ पर्सन की वजह से पूरी कम्युनिटी हिट होती है, और ये सिर्फ फैसलाबाद में नहीं पूरे पाकिस्तान में हिट होती है, हो रही है, और ये इस तरह के बहुत सारे केसेस जब देखने को मिलते हैं आप यकीन करेंगे बड़ी इस चीज पे शर्मिंदगी होती है कि एक पढ़ा लिखा तबका जो है जिसे लोगों की तोक्वात होती है वो इतना नेगेटिव वे में जाके लोगों को मैसेज कन्वे करता है। अच्छा, अब जितने भी न्यू कमर्स आते हैं लॉयर्स,
तो अब वो जब आते हैं फील्ड में, आप सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप यूनिवर्सिटीज़ का जो एनवायरनमेंट देखते हैं या लॉ कॉलेजेस का जो एनवायरनमेंट देखते हैं, वो कोई इतना सूटेबल एनवायरनमेंट बज़ाहिर हमें देखने में नहीं लग रहा होता. नो डाउट टीचर्स बहुत अच्छा वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, परफॉर्म अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन बात वही है जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रैक्टिस में आने वाले लोग हैं उनका टेम्परामेंट उस लेवल का नहीं होता है. तो उनको जब आप फील्ड में देखते हैं आते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप, मुबशर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? फरुख भाई, एक क्लास जो होती है ना, जो एक रूम है, फेलियर भी उसी क्लास में है और विनर भी उसी क्लास में है. जिसने अपना एम रखा हुआ है कि मैंने इसको विन करना है, मैंने कुछ अचीव करना है, तो वो अचीव करेगा. और जो बैक बेंचर्स हैं वो अपनी मस्तियों में सारा टाइम गुजार देंगे और वो स्टार्स लेके जो है वो पास हो जाएंगे. तो जबकि ये गलत है, अपना फ्यूचर का अपना एम को अपने सेट करें कि अगर उन्होंने एडवोकेट बनना है तो वो बदनामी वाला एडवोकेट नहीं बने, अच्छा एडवोकेट बने. क्योंकि बड़ा अच्छा इज्जत वाला प्रोफेशन है, लोग आपको, अच्छे वकला हैं हमारे जो सीनियर्स हैं बड़े हैं, वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं. तो इसलिए वो उसको, उसका एम हमेशा विनर का होना चाहिए, लूजर की तरफ या बैक बेंचर की तरफ नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सही है. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और जाने से पहले उमर साहब, कंज्यूमर कोड के हवाले से या फिर कंज्यूमर्स के राइट्स के हवाले से हमारे जितने सुनने वाले और देखने वाले, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा उन सब दोस्तों को, उन सब भाइयों को जो भी हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि आपने अगर मार्केट में निकले हैं, कोई भी चीज़ आपने परचेज़ करनी है, आप अपने राइट्स को मद्देनजर रखते हुए आप दुकानदार से बात करें. कोई भी चीज़ आपने परचेज करनी है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछें, उससे उसकी रसीद लें और उसे खुश अखलाकी से पेश आएं. क्योंकि एक तो चीज़ होती है जो आप फॉल्टी चीज़ आपको देता है, वो भी एक कंज्यूमर के कोर्ट में जाता है, और जो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो बंदा अपनी जो जुबान के जरिए है, उसको भी आप कंज्यूमर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. बिल्कुल सही. क्योंकि कंज्यूमर एक बहुत ही वास्ट लॉ है जिसको डिस्क्राइब करना एक शो में काफी मुश्किल है. तो इसमें जितनी भी चीजें होती हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर बयान करना इतना आसान नहीं होता. अपनी नाकस अकल के मुताबिक इतना आपके साथ शेयर कर दूं कि कंज्यूमर कोई भी है, वो सारी सी बात एक सोसाइटी से अगर लिंक करता है, तो सोसाइटी के किसी भी आप फैक्टर को जब भी डिफाइन करेंगे तो आप डिफाइन कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वर्सटैलिटी पाई जाती है, क्योंकि वो सोसाइटी से लिंक कर रही होती है. मुबशर भाई, जाने से पहले इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से, बहुत सारे लोग फाइलर नहीं हैं और फाइलर होना भी चाह रहे होते हैं, प्रोसीजर क्या रिक्वायर्ड अडॉप्ट करना चाहिए? 30 सितंबर तक हम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करेंगे. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमने उन लोगों के पास नहीं जाना जो आरजी तौर पर इन दिनों में आके अपने ऑफिसेज बना के लोगों के रिटर्न्स को फाइल करते हैं. फरुख भाई, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी प्रोफेशनल पर्सन से अपने जो है ना एडवोकेट से और जो प्रैक्टिशनर हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, उनसे अपनी रिटर्न्स फाइल करवाएं. बिल्कुल सही. और जो कुछ लोग अपने जेन में बना के बैठे हुए हैं कि रिटर्न डेट एक्सटेंड होगी, उनका इस बार बड़ा सख्त एक्शन ले रहे हैं डिपार्टमेंट वाले FBR ने. डेट बिल्कुल एक्सटेंड नहीं होगी, 30 सितंबर लास्ट डेट है, और अपनी रिटर्न जो है इन टाइम फाइल करवाएं. बिल्कुल एक्सटेंशन का वेट नहीं करें. बिल्कुल सही है. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है. जाने से पहले हमेशा की तरह चंद एक बातें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों के, जिन लोगों ने आज प्रोग्राम में कॉल्स की हैं, मैसेजेस किए हैं, उनके नाम को दोबारा एक दफ़ा शामिल करता हूँ. अब्दुल गफ़ार साहब थे कामसाइन रोड से, और जावेद इकबाल साहब हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन आज के प्रोग्राम में की. नजमा नुशाही, मुस्कान अमजद और जो है इनके शो के बारे में भी पूछा इन्होंने. नदीम रजा जो थे वो भी प्रोग्राम को सुन रहे थे. रिदा सिंधु थी. अबीहा उमर, इन्होंने कहा प्रोग्राम इन्फॉर्मेटिव है, बहुत शुक्रिया. मानूर रंधावा, प्रोग्राम को पसंद किया. अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक हैं. राशिद रियाज प्रोग्राम को पसंद कर रहे थे. और यकूब साहब थे, प्रोग्राम को पसंद किया इन्होंने. ज़फ़र इकबाल जड़ामाला से थे, इन्होंने कहा कि शो बहुत अच्छा है. अमजद अली प्रोग्राम को पसंद कर रहे थे. और ताहिर इमरान थे खुड़ियावाला से. आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों के मैं नाम नहीं कॉल कर सका उनसे माजरत. और आप इसी तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहा करें, अपनी इनपुट देते रहें, आपके प्रोग्राम जो सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे. जाने से पहले आज के प्रोग्राम के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब भी टैक्स की बात होगी तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा या ये एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि अगर मैं टैक्स अदा करूँगा तो मेरे टैक्स का मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा.
तो इस बेनिफिट के लिए ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली चीज़ आपको उस नेट में आना पड़ेगा, आपको टैक्स को अदा करना पड़ेगा। जैसे अभी मुबशर साहब बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे रेशो बनती है टैक्स पेयर्स की, वो अबाउट 1.25 या 1.5% बनती है टोटल की, 98 point something जो है वो अभी तक टैक्स पे नहीं कर रहे। तो जब इतने सारे लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे तो बर्डन सब लोगों के ऊपर आएगा, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक रेज होगा कि हमें क्या मिलेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेट सिस्टम में आ जाएंगे, टैक्स नेट में आ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन फिर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, जब आपके पास स्लैब रेट मौजूद हैं टैक्स के लिए, कि अगर कोई शख्स बिजनेस करता है तो 4 lakh तक उसको एग्जेम्प्ट है टैक्स, वो टैक्स अदा करने का मजाज नहीं है, और जो कोई भी सैलरीड पर्सन है उसकी सैलरी जो है सालाना 6 lakh तक की एग्जेम्पशन उसको मौजूद है, उसके बाद वो टैक्स अदा करने का मजाज है। जब आपके पास स्लैब रेट्स मौजूद हैं तो आपके अंदर किसी किस्म का कोई भी डर या खौफ नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे हम फाइलर होंगे तो हमें टैक्स अदा करना पड़ेगा, इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। आप अपना टैक्स बचाने के लिए हमेशा लॉयर के साथ रابطہ करते हैं, टैक्स को पे करने के लिए रابطہ करें और नेक्स्ट टैक्स सिस्टम में शामिल हों। और दूसरी चीज़, जो कंज्यूमर कोड के हवाले से आज हमने बात की है कि कंज्यूमर कोई भी शख्स है, उसके ये राइट्स बहुत सारे हैं, कंज्यूमर के भी राइट्स हैं, जैसे बायर के और सेलर दोनों के राइट्स हैं अपनी अपनी जगह पर, और दोनों अपनी जगह पर सही होने चाहिए। सबसे पहली चीज़, जब आप चीज़ को ख़रीद रहे जाए तो उस चीज़ को अच्छी तरह चेक करें, और उसके बदले में सबसे जो मेन पॉइंट है, एक पक्की रसीद या पक्का बिल उससे लें जो प्रिंटेड है या स्टैम्प्ड है, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या प्रोडक्ट उससे बाय की है, उसकी क्वालिटी क्या है। अगर आपको उसके अगेंस्ट कोई इशू लगता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट खुद भी जा सकते हैं, अपना केस खुद भी जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको हल किया जाए। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स शो में। आप हमारे साथ रابطہ करते रहा करें, अपनी पार्टिसिपेशन देते रहा करें। नेक्स्ट वीक किसी नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।